धुआं हो गया गाइस, बहुत ज्यादा पंखे चला पंखे चला गाइस, बहुत धुआं हो गया। पंखा भी नहीं, अभी नहीं, रुक जा रुक जा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी सुबह के बज चुके हैं 11:30 और मैं जा रहा हूँ प्रिंस गारमेंट्स में, क्योंकि कल हम लोगों ने जो होली के कपड़े लिए थे आज वो वहीं से उठा भी लाएंगे, क्योंकि कल पैसे नहीं लगे थे इसलिए कल नहीं लाए थे। और मैं अपने लिए एक शर्ट भी ले लूंगा, डैडी ने कहा था तो अपने लिए एक शर्ट भी ले लेते। तो अभी चलते हैं प्रिंस गारमेंट्स, डैडी आगे खड़े हैं बाइक लेके। गाइस पहुंच चुके हैं फिर से प्रिंस गारमेंट्स। गाइस फाइनली शॉपिंग हो गई है, मैंने एक शर्ट भी ले लिया और जो कल जो कपड़े लिए थे वो भी रख लिए इसमें। अब चलते हैं घर, घर चल के आपको दिखाएंगे क्या क्या लिया है। गाइस अब पहुंच चुके हैं गली में, अब उसको ऊपर ले चलते हैं कपड़ों को, देते हैं मम्मी को। गाइस अभी घर पे आ गए हैं, यहाँ पे कृष्णा लेटा है, यहाँ पे दादा लेटा है और वहाँ पे कपड़े रख दिए हैं। जब मम्मी आएंगे तब आपको दिखाएंगे एक एक करके सारे कपड़े। गाइस फाइनली यहाँ पे मम्मी भी आ चुकी है बड़ी देर के बाद, इतने से खाना बना रही थी किचन में और अभी टाइम हो गया है 1:15 हो चुके हैं और दादा अभी भी नीचे सो रहा है और डैडी भी यहाँ पे आ गए हैं। तो अब मम्मी को एक एक करके सारे कपड़े दिखाते हैं। यहाँ पे मम्मी बताओ, होली शॉपिंग कंप्लीट हो गई। अच्छा ये सब लाए थे वो? ये मेरी शर्ट है, कलर बहुत अच्छा है। अच्छी है, बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छा है। ये शर्ट है मेरी, अच्छी है, बहुत अच्छी है। खोल के नहीं देखोगी? खोल के क्या देखें, पहनोगे तो देख लेंगे। मेरी है ये कृष्णा, ये कृष्णा, ये पैंट मेरी है, ये कृष्णा, ये पैंट है मेरी, नहीं मेरी ग्रे थी। अच्छा ये है शिवांग का, ये कृष्णा, ये मेरी है, ये कृष्णा की पैंट है। ये पैंट किसकी है? ये डैडी की है। ये पैंट डैडी की है और ये शर्ट डैडी की है। ये शर्ट, टी शर्ट, दोनों डार्क डार्क ले लिए, एक लाइट लेते हैं, जरूरी है क्या पहनेंगे। गाइस मम्मी ने कपड़े वपड़े तो सब देख लिए हैं, मिली मैंने नीचे जाके गोदरेज वाले अलमारी में कपड़े रख दिए हैं, अब निकाल लेंगे जब होली खाएगी तब। और गाइस अब यहाँ पे तोड़ना भी शुरू कर दिया जाता था जी, अब ये चीज थी इसको भी तोड़ना शुरू कर दिया, यहाँ पे दीवार भी तोड़ना शुरू कर दी, यहाँ पे ये भी टूट जाएगा फिर, और यहाँ पे ये भी है, ये तोड़ ये चीज थी यहाँ पे जिसके ऊपर मम्मी पैर रख के आती थी ऐसे, वो चीज तोड़ रही है। अब असली वाला काम चालू हुआ है गाइस, यहाँ पे गाइस यहाँ पे सपोर्ट के लिए ये लगाया है ताकि जब हम लोग ये तोड़ रहे हैं तो ये गिर ना जाए नीचे, इसलिए गाइस एकदम से ये पूरा गिर जाएगा। यहाँ पे गाइस क्रैक आ गया है, पूरा क्रैक आ गया यहाँ पे। गाइस अब ये भी गिर जाएगा यहाँ से, यहाँ पे अब जो क्रैक बन गया पीछे गिरा देंगे इसको। गाइस अब फिर गिराने जा रहे हैं एक और, गाइस अब पूरा गिरा देंगे फिर से। गाइस ये कमांडो साहब है यहाँ के, गाइस ये भैया इन भैया को हमेशा चढ़ाते रहते हैं भाई, मतलब पूरा बैट बॉल की तरह खेल रहे हैं, ये बैट पकड़े हैं बॉल मार रहे हैं बार बार, एक एक गिर रहा है, एक एक पत्थर। गाइस यहाँ से देख रही हैं ताई जी। गाइस पहले सिर्फ इतना दिखता था लेकिन अब ये दीवार लंबी हो गई, यहाँ से बैट बॉल की तरह खेल रहे हैं गाइस बिल्कुल। ये देखिए गाइस बॉल छक्का चौवा। ये कैसा लग रहा है आपको? हम लोग यहाँ पे बचपन में खेलते हैं यहीं पे, तो खेलते थे पहले, अब ये एकदम से टूटने जा रहा है, अब नया बनेगा, अब नया बनेगा, अब पूरा गिरा देंगे। गए इसके नीचे, इसके नीचे बहुत सारे चीटे हैं गाइस, ये देखिए चीटा, गाइस जो भैया जो हटोरा पकड़े हैं, ये गाइस जो हटोरा बहुत ज्यादा भारी है, मैंने उठा के देखा तो मुझसे तो उठ ही नहीं रहा था ये, लेकिन जो भैया इसे बैट बॉल की तरह खेल रहे हैं बिल्कुल आसानी से। गाइस बहुत ज्यादा भारी हटोरा है, अच्छा।
अपना आरओ खराब हो गया था तो यहाँ पे आरओ वाले भैया आए जो आरओ सही कर देंगे। आरओ में बूंद बूंद करके लीक हो रहा था इसलिए स्प्रिंग खराब हो गया। गैस पूरा सही कर दिया, बस टोटी बदलनी थी, सही हो गया पूरा। और गैस मम्मी यहाँ पे पोहा बना रही है मस्त, यहाँ पे सबको दी निकाल रही प्लेट में। ये मेरा पोहा आ गया यहाँ पे। कृष्णा नहीं खाएगा, ये लो। बाबा मस्त यहाँ पे बाहर पोहा खा रहे हैं। गाइस अभी ट्यूशन जाने का टाइम हो चुका है, हम और कृष्णा जा रहे हैं ट्यूशन। शिवांग नहीं जा रहा क्योंकि उसकी आंखें अभी खराब हैं। और मम्मी ऊपर खड़ी हैं, बाय बाय। शिवांग नहीं आएगा, हम और कृष्णा जा रहे हैं, कृष्णा निकल गया। गाइस हम लोग तो जाने वाले थे और शिवांग यहाँ पर आ गए। आंखें लाल है, तुम नहीं जाओगे। गाइस दादी कह रही है जाओ, मम्मी कह रही ना जाओ, आपको मिग्रेन हो रही है। ठीक है तुम फोन रखो, हम लोग जा रहे हैं। हल्की सी को लाल होने लगे यहाँ पे। हाँ तुम फोन रखो, हम लोग जा रहे हैं। लो गाइस मैं ट्यूशन के लिए जाने वाला था लेकिन मेरी इस वाली आंख में फिर से जलन होने लगी है। परसों मेरी इस वाली आंख से जलन शुरू हुई थी, लाल हुई थी, कल इसमें हुई थी, आज फिर इसमें हो गई है। गाइस पता नहीं बारी बारी से क्यों हो रहा है। और मेरी इस वाली नाक से अभी सांस आ रही है, नाक से सांस नहीं आ रही है, इसमें आती है कभी इसमें नहीं आती है, पता नहीं मेरी क्या चल रहा है आँख और नाक में। गाइस मैं सुबह से 5 बार अपनी आंखों में आई ड्रॉप डलवा चुका हूँ। मुझे 3 आई ड्रॉप मिली थी, उसमें से 2-3 बार थी, 2 आई ड्रॉप 4 बार थी और 1 आई ड्रॉप सुबह शाम थी। तो अभी जैसे ही मम्मी आती वैसे ही आते हैं आई ड्रॉप। ये आज बहुत ज्यादा चुनचुनाने लगी है, अब पता नहीं अचानक से क्यों हो रहा है। गाइस मम्मी आ गई दवाई डालने के लिए, अब दवाई डलवा देते हैं। गाइस अभी दादा आ चुका है ट्यूशन से और कृष्णा भी आ चुका है, अभी टाइम हो गया है 7 बजने वाले हैं। और अभी कृष्णा जा रहा है रंग लेने के लिए क्योंकि कृष्णा का कल लास्ट एग्जाम है, उसके बाद कृष्णा का स्कूल बंद हो जाएगा, मतलब उसकी छुट्टी हो जाएगी। यहाँ पे खड़ा है, अब इसका रंग लेने चलना है। कल इसके स्कूल में सब लोग रंग खेलेंगे कह रहा है, चलो अभी रंग लेने चलते हैं। गाइस यहाँ पे रंग निकाल रहे हैं भैया गुलाल। गाइस अभी गुलाल और स्प्रे वगैरह ले लिया, अब घर चलते हैं। खेलोगे जी सब? कहाँ मिले हैं रंग? इतने ज्यादा? हाँ मम्मी पूरा भर के लाए हैं, लाल और पिंक। अब सब खेलेंगे। गाइस लेकिन होली में गुब्बारे मारने में बड़ा मजा आता है। हम लोग एक बाल्टी में पूरा गुब्बारे भर लेते हैं, फूले हुए पानी भरे, और सबको मारते हैं जो लोग जाते हैं बाइक पे, बड़ा मजा आता है गाइस। लेकिन कुछ लोग गुस्सा भी जाते हैं। गाइस अब स्प्रे से दादा के साथ प्रैंक करते हैं। तुमको क्या लगा मार दूंगा मैं? तो ये पिछले साल का है। हाँ इस साल का खोला नहीं उनने। अच्छा उनकी दुकान पिछले साल का है। तो क्या बनना सड़ जाएगा हाथ में। गाइस अभी यहाँ पे मम्मी और दादी चिप्स बना रही हैं होली के लिए। दादी यहाँ पे एक एक आलू को कुछ वो कर रही है, क्या कर रही है? पतला कर रही है ऐसे। लगे हो और गाइस उसमें से कुछ आलू निकाल के मम्मी यहाँ पे ऐसे फिंगर चिप्स बना रही, चिप्स बना रही है। गाइस दादी ने यहाँ पे इतने सारे आलू को घिस दिया है। गाइस इन आलू को घिस के इसमें रख देंगी और सुबह इसके नीचे एक लेयर बन जाएगी स्टार्च की। और गाइस वो जो स्टार्च होता है उसकी एक खासियत होती है, वो एक ऐसा लिक्विड है, उसकी एक खासियत होती है कि वो लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है। उसको जब हम लोग ऐसे कस के मारेंगे तो वो सॉलिड की तरह रिएक्ट करेगा। अगर हम लोग उसको ऐसे ऐसे हाथ में लेंगे तो वो लिक्विड की तरह रिएक्ट करेगा, इसकी खासियत होती है। और उसके पापड़ बनते हैं, और उसके पापड़ बनते हैं। दादी उसके पापड़ बना देती है हर साल, लेकिन इस साल मैं दादी को मना कर दिया उसके पापड़ बनाने के लिए। इस साल हम लोग उसको निकाल के खेलेंगे उसके साथ। वैसे हमने बहुत सारी वीडियो में दिखाया है यूट्यूब की स्टार्ट के बारे में। मम्मी यहाँ पे सबको तल के बना रही है पापड़ चिप्स फंग। दादी घिस रही है यहाँ पे सभी। गाइस यहाँ पे इतने सारे तैयार कर दिए हैं चिप्स, सुबह निकाल लेंगे, इसका पानी फेंक दिया जाएगा सुबह। गाइस
वैसे भी चिप्स हम लोग अंदर लेके आ चुके हैं, हम यहाँ से सब लोग बैठ के खा रहे हैं। बातें करते करते हम लोगों ने इतना सारा खा भी लिया अभी, और अभी हम लोग यहाँ पे हैरी पॉटर देख रहे हैं। गाइस हम लोगों ने आज तक कभी हैरी पॉटर नहीं देखा था, बहुत लोगों से सुना था हैरी पॉटर के बारे में, तो आज पहली बार देख रहे हैं। अभी जब पहला वो है पहला पार्ट देख रहे, बहुत सारे पार्ट है, देखते चलेंगे सारे पार्ट। गाइस अभी बाहर किचन में आ गए और यहाँ पे दूध पीने जा रहे हैं, और डैडी भी यहाँ पे आ चुके हैं दूध पीने के लिए, और दादा यहाँ पे दूध और पार्ले दिखा रहा है। गाइस डैडी अपनी बॉडी दिखा रहे हैं यहाँ पे। गाइस डैडी 2 साल से रेगुलरली जा रहे हैं जिम, एक साल मतलब 1.5 साल हो गया है डैडी को। दिखाई दे रहा बॉडी, ये देखिए गाइस ट्राइसेप दिखाई दे रही, ट्राइसेप है, और पीछे दिखाई, पीछे से बैक। गाइस अभी आपको बने उतार के दिखाते हैं। गाइस ये देखिए बैक फुल 2.5 इंच की बैक, कितने इंच की है पता नहीं। गाइस अभी मम्मी मिल्टन की बोतल में पानी भर रही हैं, डैडी पीते हैं कॉफी पानी गरम। गाइस दादी ने सारे मतलब सारे आलू को में रख लिया है, वो करके कद्दूकस करके क्या कहते हैं मम्मी इसको, चिप्स ऐसा शेप देख के अंदर रख दिया है, और सुबह तक इसमें पूरा स्टार्च आ जाएगा। गाइस जब मैं सुबह स्कूल जाऊंगा तब आपको दिखा के जाऊंगा, जितने सारे आलू में बहुत ज्यादा स्टार्च निकल जाएगा, तो कल आपको दिखाएंगे स्टार्च इसका। बोतल ले चलते हैं अंदर अब। गाइस अभी टाइम हो गया है बड़ा, और यहाँ पे कृष्णा सोने जा रहा है सुबह 5 बजे, जग के जब अपना रिवाइज करेगा फिर जाएगा पेपर देने। और गाइस यहाँ पे डैडी ने पूरी अंडे की ट्रे जला दी है। गाइस लिटरली गाइस इससे इतना धुआं होता है कि मेरी पूरी आंख जलने लगती है, कृष्णा ही बहुत परेशान हो जाता है इससे। गाइस मैं तो अभी बाहर जा रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही धुआं हो गया। गाइस अपने घर में इतने मच्छर कुछ कहने को ही नहीं, पूरे रात भर मच्छर काटते रहते, इसलिए डैडी ने यहाँ पे ट्रे जला दी है। अब मैं थोड़ी देर बाहर जाता हूँ, वरना मेरी पूरी आंख फिर से लाल हो जाएगी। गाइस इसके धुएं से मेरी पूरी आंख लाल हो जाती है। गाइस मैं तो नीचे चलता हूँ, ऊपर कमरे में बहुत धुआं हो रहा है उसके वजह से, ट्रे की वजह से। मैं दादा की स्टूडियो में आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो दादा है ही नहीं, कहाँ गया दादा? मुझे लगा था दादा यहाँ पे होगा, शायद बगल वाले कमरे में होगा। गाइस बगल वाले कमरे में चलते हैं अब। कहाँ है दादा? यहाँ है क्या? दादा को देखा हम? दादा को नहीं। गाइस दादा ऊपर भी नहीं है, बगल में भी नहीं, कहाँ पे है? कहाँ है दादी बताओ? हमें नहीं पता, हम तो लेट रहे हैं। बाबा कहाँ है दादा? दादा हमको नहीं मालूम भाई, एक लुपाया वाला बंद कर दिया। गाइस नीचे तो दादा था नहीं, अब मैं ऊपर आ गया। दादा को देखा? दादा को गाइस दादा लेटरिन करने गया है। गाइस सब लोग यहाँ पे बाहर खड़े हैं, क्योंकि अंदर अंडे की ट्रे जल रही है ना, इसलिए सब लोग बाहर ही खड़े हैं, और दादा यहाँ अंदर गया है। आपने ये ट्रे क्यों जलाई है? इसका कुछ रीजन तो होगा, मेरी पूरी आग जली जा रही है इससे, बताओ क्यों जलाया? मच्छर ना लगे इसलिए जलाई है। गए मच्छर न लगे इसलिए चलाया इसको। यहाँ पे डैडी का नाखून देखिए कितना बड़ा है। डैडी के एक फ्रेंड कह रहे थे नकली नाखून लगाया है, बस बहुत बड़ा नाखून है ये। मैंने भी बड़ा किया अपने नाखून। दादा का भी हल्का सा बड़ा है, लेकिन डैडी का तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, पीछे से भी आगे से भी। डैडी आपने इसको कब से निकटाया है? कब से? 6 महीने। गज 6 महीने से नहीं काटा डैडी ने नाखून अपना। दूसरा लाई बड़ा था, वो टूट गया दूसरा हाथ का। गज दूसरे हाथ का भी बड़ा था लेकिन वो टूट गया, अब इसको भी बढ़ा रहे हैं। दोनों को जरा साथ में करिए, दोनों को ही नाखून को। अंदर कुछ ज्यादा ही धुआं हो गया गज, बहुत ज्यादा पंखा चला, पंखा चला गज, बहुत धुआं हो गया। पंखा भी नहीं, अभी नहीं, रुक जा रुक जा, रुक जा, इसको उड़ जाए। गाइस गाइस वहाँ पे इतना धुआं था, मेरी पूरी आंखों में धुआं भर गया, पूरे नाक में, पूरे कान में, पूरे सब जगह धुआं भर गया गाइस मेरे। गाइस वो सब लोग अंदर ही हैं अभी, मेरे पूरे आंखों से आंसू आ रहे हैं गाइस, ये देखिए। गाइस बहुत ज्यादा धुआं है अंदर, पूरी आंसू आ गए मेरे तो, अब मैं अंदर नहीं जाऊंगा। गाइस भाई क्या कर रहे हो तुम लोग अंदर? भाई आंखें ताप रहे हैं। भाई तुम लोग तो मजे से हो यहाँ पे, इतना की हालत भी खराब हो रही है। गाइस अभी हम सब लोग यहाँ पे बाहरी हैं, जब 1-2 घंटे बाद जब सारा धुआं शांत होगा तब हम लोग जाके अंदर आराम से बैठेंगे, तब सोएंगे। अभी फिलहाल 12 बज गए हैं, सो अब मैं लोग कमेंट करता हूँ, आई होप आपको लोग पसंद आएगा। अगर पसंद आयो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।